गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो. दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं. सो ये मेरे पास आया था आज से दो दिन पहले और मैंने इसे कल रात को ही ओपन करा है. सो पैक ऑफ सिक्स है, एक पैक में सिक्स बार्स हैं. एक फ्लेवर है हमारे पास ब्लूबेरी और दूसरा फ्लेवर जो है वो है क्रैनबेरी का. सो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइसिंग क्या है इसका, कब आप इसे यूज कर सकते हो, फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है. So if you are ready, let's start it. So welcome back in the video. Unbox करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. So जो दो फ्लेवर है हमारे पास, एक है बेरी अंका, कौन सा है, ब्लूबेरीज, और जो दूसरा फ्लेवर है हमारे पास वो है क्रैनबेरीज. So दोनों मेरे पास आई हैं, छः हैं और दोनों ही फ्लेवर मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं. मैंने पहली बार ये ट्राई करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने ये ट्राई नहीं करी. आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनर्जी बार्स, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऑन द गो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है और आपके पास नहीं होता कि आप कुछ मील ले सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कॉफ़ी लो, या फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे बार्स काफ़ी हेल्प करती हैं. अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप इसे अपने बैग में कैरी कर सकते हो, या फिर आप ऑफिस जा रहे हो तो भी आप इसे बैग में रख सकते हो. जब आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई ऑप्शन नहीं है कुछ खाने का, तो उस टाइम पे आप इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो. सो इसके दोनों फ्लेवर हम एक बार खोल के देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है. अगर आप इसके फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर लिखा है रोल ओट्स, क्रैनबेरीज, पम्पकिन सीड्स और एलमंड्स. कंपनी का नाम है बेरी यंग द मॉर्निंग बार, हाई फाइबर और ग्लूटेन फ्री है ये, नेचुरल है एंड 100% वेगन है. सो इसके यहाँ पे भी लिखा है 80-20 ट्रेडमार्क. सो 80-20 हो सकता है ये कंपनी का नाम हो, बेरी यंग ये हो सकता है ये कंपनी का नाम हो, पता नहीं, बट आई गेस 80-20 कंपनी का नाम है, 80-20 द हेल्दी रेशो. सो इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो अगर आप लेना चाहो. प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये जो बॉक्स है इसका मैंने प्राइस चेक करा था ऑनलाइन, ये मुझे दिखा रहा था 300 रुपये के आसपास. सो 300 रुपये में आपके पास 12 बार आ सकती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे डील लगी. और अगर इसके पीछे हम लेबल की बात करें तो इसके लेबल पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें वो है 61 ग्राम, आउट ऑफ विच शुगर इज 19 ग्राम. सो शुगर कॉन्टेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ठीक है. फैट है इसमें 15.5 ग्राम, जिसमें ट्रांस फैट 0 है, जो है सारा सैचुरेटेड फैट है. उसके बाद इसमें प्रोटीन है, पर बार जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा 9 ग्राम, और डाइट्री फाइबर जो है वो भी है 9 ग्राम. सो इस बार के अंदर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही जो कि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो, सारी चीज़ें इसके अंदर हेल्दी ही हैं. सो एक तो हमारे पास ये है, और इसका दूसरा वर्जन हम देख रहे थे, दूसरा फ्लेवर जो है इसके अंदर अगर आप इसके फ्रंट में देखोगे तो लिखा है ब्लूबेरीज, रोल्ड ओट्स, पम्पकिन सीड्स एंड एलमंड, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम एंड पोटेशियम रिच. और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें 25 ग्राम है, इसके अंदर थे हमारे कार्बोहाइड्रेट 61 ग्राम. सो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, और इसमें एनर्जी जो है 161 ग्राम है, फैट्स इसमें 4.72, और पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इसके अंदर है. प्रोटीन जो है इसमें पर बार वो शायद 4 ग्राम के आसपास है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 10 ग्राम के आसपास. सो ये जो प्रोटीन है पर ग्राम का, ये है पर 100 ग्राम में, और जो ये बार है ये है 40 ग्राम की. सो अगर इसमें 100 ग्राम में आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, सो 4 ग्राम के आसपास आपको, 3.5-4 ग्राम के आसपास आपको पर बार में ये मिल जाएगा. और इसके अंदर आपको जो प्रोटीन मिलेगा ये पर बार की वैल्यू है, सो इसमें पर बार में जो आपको प्रोटीन मिल रहा है वो है 4 ग्राम के आसपास. तो दोनों में आपको 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा. कार्ब्स भी फिर काफ़ी कम है, और एक अच्छा सोर्स है. अगर आप चॉकलेट वगैरह आपको अच्छी लगती है तो आप उसको एनर्जी बार से रिप्लेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये. सो मेरे पास यहाँ पे दोनों बार है, दोनों बार को खोलते हैं, देखते हैं दोनों का फ्लेवर कैसा है. पहले मैं ओपन करूँगा क्रैनबेरी, क्रैनबेरी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. सो पहले ओपन करते हैं क्रैनबेरी. सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, फोकस करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख रही होगी, आपको अब दिख रहा होगा. इसके अंदर ओट्स जो है काफ़ी सही हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ओट्स हैं, और इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जले हुए हैं, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हो या फिर ओट्स हो, कोई
कोई भी सीड्स हो, काफ़ी सारे इसमें मुझे सीड्स दिख रहे हैं, इसमें मुझे पम्पकिन सीड्स दिख रहे हैं, ओट्स दिख रहा है इसमें, इसमें मुझे क्रैनबेरी दिख रही है और एलमंड्स दिख रहे हैं इसमें। सो सारी चीज़ें बाहर पे विजिबल है, ऐसा नहीं है ऊपर किसी चीज़ की फ्लेवर की कोटिंग कर दी और अंदर वो छुप गया और इसके ऊपर ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सो बाहर देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अब एक बार इसका फ्लेवर देख लेते हैं कैसा है। उसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मीठा नहीं है ये, इसके अंदर क्रैनबेरी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और अगर आपको भूख लग रही है और ऑन द गो आपको कोई मील चाहिए, सो एक ये एनर्जी बार आपका काफ़ी अच्छा फिट कर सकती है। एक बार ही काफ़ी ज़्यादा हैवी है, दूसरी ट्राई करते हैं। पहले वाली बार जो थी उसमें रैपर था, रैपर वाली पैकिंग थी, उसके अंदर डायरेक्ट बार थी, और ये पैक है, गत्ते वाला पैक है ये। इस पैक को अगर आप ओपन करोगे तो पैक के अंदर फिर रैपर है और रैपर के अंदर चॉकलेट है, और इसीलिए ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है शायद, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई है। एनीवे सो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये ब्लूबेरी फ्लेवर है और इसके अंदर भी सेम जैसे इसमें सारी चीज़ें विजिबल हैं बार में, सेम इसमें भी सारी चीज़ें विजिबल हैं। सो इस बार में भी ब्लूबेरी विजिबल है, पम्पकिन सीड्स हैं, एलमंड है और ओट्स हैं, और सारी चीज़ें इसमें भी दिख रही हैं। सो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। जिन्हें ब्लूबेरी पसंद है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश ब्लूबेरी का एकदम परफेक्ट फ्लेवर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल ब्लूबेरीज डाली हुई हो या कुछ फ्लेवर वाला ब्लूबेरी वाला कुछ इसमें चीज़ डाली हो, पूरी ब्लूबेरी इसके अंदर डाली हुई हैं जो कि हर बाइट में आपको दिखेंगी। अगर आप ये बार ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके इसे डायरेक्ट बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डील है, 300 रुपये में 12 बार आ रही हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अगर ऑफिस वगैरह जाते हो या कहीं भी जाते हो, अगर आप इसको बैग में कैरी कर सकते हो, और आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो उस टाइम पे आप इस बार से अनहेल्दी ऑप्शन को हेल्दी में रिप्लेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो ये था रिव्यू 80-20 द हेल्दी रेशो का। सो दिस इज इट, वेरी यंग एनर्जी बार, मैं इसे इंजॉय करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।